नमस्कार, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके आए कुछ खास नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। सभी सेनर ने जो छात्र 12वीं कक्षा पास कर परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो वह केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं। अब ग्रेजुएशन करने के लिए आपको CUET का एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। अगर आप ये एग्ज़ाम नहीं कर सकते तो आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं। जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय में पहले होता था कि सपना BHU JNU में एग्ज़ाम निकलना पड़ता था। कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में अगर ग्रेजुएशन करना हो तो हर लड़के को BHU और JNU का पहले सपना देखना चाहिए, भले एडमिशन हो या ना हो। लेकिन अब कर दिया कि जितने भी हैं, चाहे झारखंड हो, चाहे BHU हो, DU हो, JNU हो, CU हो, जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वह चाहे आप SKMU हो, सभी का एग्ज़ाम अब जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है ये आपका लेगा। तो ये एग्ज़ाम जब तक नहीं निकालिएगा तब तक आप ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो इसी को ऑनलाइन करने के लिए पूरा प्रोसेस हम सीखेंगे कि आप घर बैठे इसको फॉर्म को फिलअप कैसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए पहले आप जो वेबसाइट दिया हुआ है CUET.ac.in, यहाँ पे जाना है। आप कोना पे लिखा हुआ है रजिस्टर, आप रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, अगर आपको कुछ यूनिवर्सिटी के नाम या देखना है तो यहाँ से इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा, तो वो आप देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट बताते हैं कि ऑनलाइन कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, एग्री पे क्लिक करके क्लिक टू हेयर प्रोसेस में क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको डिटेल पूछा जाएगा कि नाम कहाँ है, फादर का नाम है और मदर का नाम क्या है, ठीक है। तो उसके बाद ये डिटेल भरने के बाद गार्जियन का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वो लिखने के बाद पूरा डिटेल लिख देना है। और अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट सेम एड्रेस है तो यहाँ पे सेम पे क्लिक करके आप आगे बढ़ दीजिएगा। उसके बाद पासवर्ड ऐसा बनाइएगा कि जो पहला अक्षर कैपिटल हो, बाकी स्मॉल हो। उसके बाद अपर लेयर, और जैसे आप नाम लिख देते हैं, जैसे आपका नाम कुछ भी है, जैसे हम सपोज डेट कुछ नाम लिखते हैं, जैसे लिख दिए गुड्डा, तो जी बड़ा, जैसे एक बता देते हैं, जैसे हम कुछ भी लिखें, जैसे आप किसी का नाम है मोहन, ठीक है, मोहन है, तो मोहन क्या करना है, मोहन को बड़ा लिखना है और बाकी @123 ऐसे करके आपको पासवर्ड बना देना है। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे एक कैप्चा डाल दीजिएगा और उसके बाद सबमिट में क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे ईमेल आईडी डालिएगा, आपका ईमेल आईडी और मोबाइल में भी OTP जाएगा। तो ईमेल और मोबाइल नंबर याद रखिएगा, सही सही डालिएगा। अगर नहीं डालिएगा तो फिर प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, एक डाल के हम प्रोसेस करके भी बताते हैं। फॉर्म फिलअप करके कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट करने के बाद अगला प्रोसेस जो कैसे खुलता है वो हम बताते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा जो सही सही डाले हैं वहाँ पे सब पे, फादर, मोबाइल, सब पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद, मोबाइल नंबर सब करने के बाद, एग्री करने के बाद यहाँ सबमिट एंड सेंड टू OTP पे क्लिक कीजिएगा। जैसे सेंड टू OTP पे क्लिक कीजिएगा तो आपका मोबाइल में एक OTP आएगा, वहाँ पे आपको डालना है। जैसे यहाँ पे ओके कीजिएगा करने के बाद, तो आपके देखिएगा एक मोबाइल में OTP आएगा। OTP डालने के बाद आप कैप्चा यहाँ पे डालिएगा, तो यहाँ पे आपका देखिएगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर आपका आ जाएगा, आपका मोबाइल में भी OTP आया होगा। वो आपका जैसे OTP डालने के बाद आगे बढ़ने के बाद इस प्रकार का फॉर्म खुल जाएगा। करने के बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा। ये डालने के बाद यहाँ पे इनकम जो है, इनकम दर्शा दीजिएगा, नो कर देना है। आप डोमेसाइल किस स्टेट से हैं वह स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिसेबिलिटी अगर विकलांग है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो दे। रूरल अर्बन जो है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेल्फ कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे किस मीडियम से देना चाहते हैं, हिंदी देना चाहते हैं तो हिंदी पे क्लिक कर दीजिए। और यह अपने स्तर से पढ़ लीजिएगा, इसको नो कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पूछेगा जो आपके क्षेत्र से बाहर का है, इसको नो कर क्लिक कर दीजिएगा। ये करने के बाद यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयर, हम मेरे हिसाब से ये नो ही है। उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर दीजिए। सेव करने के बाद आपको अपडेट कुछ करना है तो अपडेट पे क्लिक कीजिएगा, अन्यथा आप प्रोसेस टू नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप प्रोसेस टू नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं,
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि आप टेंथ, यहाँ टेंथ का डिटेल यहाँ मांगा गया है, तो यहाँ टेंथ पास हैं तो यस कीजिएगा। आप कब पास किए हैं वो यहाँ पे पासिंग ईयर आप सिलेक्ट करिएगा, पास किए हैं वो पास क्लिक कर दीजिएगा टेंथ है। तो उसके बाद यहाँ लिखने के बाद आप कि कौन सा स्कूल से किए हैं, तो वो स्कूल का गवर्नमेंट स्कूल था तो गवर्नमेंट स्कूल पर क्लिक कर दीजिए, कहाँ है, इंडिया के बाहर है कि इंडिया पे है। उसके बाद किस स्टेट से, झारखंड है तो झारखंड कर लीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद बोर्ड कौन सा है, अगर झारखंड एकेडमिक काउंसिल से हैं तो वहाँ पर झारखंड है। उसके बाद पूछा जाएगा कि जिस स्कूल से किए हैं उस स्कूल का एड्रेस कहाँ है वो लिख दीजिए, वहाँ जैसे जो भी है वहाँ पर। नाम लिखने के बाद स्कूल का पिन कोड लिख दीजिए, रोल नंबर क्या था, और आप परसेंटेज है तो परसेंटेज पे क्लिक कीजिएगा। डिटेल लिखने के बाद आपसे फिर पूछा जाएगा कि अगर आप ट्वेल्थ पास हैं तो पास पे क्लिक कीजिएगा, और अपेयरिंग में है तो अपेयरिंग में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा रूलर में है कि अर्बन में है, कहाँ लिए हैं वो लिख दिए हैं, गवर्नमेंट स्कूल है कि वो लिखना है, इंडिया से हैं कहाँ से वो लिख दीजिए, झारखंड सेलेक्ट कर लीजिए। झारखंड सेलेक्ट करने के बाद हुड्डा जो भी करते हैं, उसके बाद बोर्ड कौन सा बोर्ड है वो आप बोर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद स्कूल का नाम पूछा जाएगा, स्कूल का नाम लिख देना है। जैसे आप पूरा डिटेल लिख लेते हैं, डिटेल लिखने के बाद आप प्रोसेस टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर हर बार बोलते हैं अगर कोई चीज़ डाउट हो तो यहाँ पे आप अपडेट के फॉर्म पे कर सकते हैं अपडेट, नहीं तो प्रोसेस टू नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे नेक्स्ट क्लिक करते हैं अगला पेज कैसे खुल कर आता है वो आप बताते हैं। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि प्राथमिकता जो है सेंटर सिटी प्रेफरेंस जो दीजिएगा किसको दीजिएगा, तो वहाँ अगर झारखंड से है तो झारखंड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो जहाँ देना है रांची दे दीजिए, प्रेफरेंस टू में भी झारखंड दे दीजिए, बिहार दे दीजिए, और एक में भागलपुर दे दीजिए। उसके बाद सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे जैसे क्लिक करते हैं तो अगला पेज किस प्रकार खुल के आता है चलो दिखा। ये करने के बाद फिर आपको वो रहे प्रोसेस टू, अगर आप कंप्लीट है तो फिर प्रोसेस टू नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे प्रोसेस टू नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो अगला पेज आपको खुल के आता है चलिए। जैसे हम प्रोसेस टू नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि यूनिवर्सिटी आप किस, पहले आ रहा था कि एस के एम यूनिवर्सिटी का नहीं आ रहा था सिद्धू कानू का, तब आना चालू हो गया तो आप ये सिलेक्ट कर, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद आप कौन सा ऑनर्स लेना चाहते हैं, जो भी ऑनर्स लेना चाहते हैं तो वो आप तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये करने के बाद आप ऐड पे क्लिक कर लीजिए। ऐड पे क्लिक करने के बाद अगर और कुछ यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करना है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए जैसे करने के बाद अगर और एक दो चार यूनिवर्सिटी जैसे रांची यूनिवर्सिटी बहुत सारा है वो सिलेक्ट कर लीजिए, अगर हो सके यहाँ पे आपको ये नहीं मिले तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही करने के बाद आप यूनिवर्सिटी प्रोग्राम इसको क्लिक कर लेना है, उसके बाद फिर यहाँ पे सबमिट करते हैं। ये करने के बाद प्रोसेस टू नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद टेस्ट पेपर, उसके बाद आप टेस्ट पेपर पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश कर देते हैं और एक यहाँ हिंदी कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जनरल टेस्ट करने के बाद अब बाकी इस पर आप नो कर देंगे। नो करके तो इसको पहले हम क्या कर देते हैं, नहीं इसको पहले हम हिंदी में कर देते हैं, इसको इंग्लिश में करते हैं, तो इसको हम हिंदी कर देते हैं, इसको इंग्लिश कर देते हैं, इसके बाद नॉट एप्लीकेंट में सबको हम कर देते हैं। ये करने के बाद यहाँ पे हिंदी पे सेलेक्ट कर देना है, हिंदी पे सेलेक्ट करने के बाद सेव पे एग्री करके सेव पे क्लिक करिएगा। करने के बाद यहाँ प्रोसेस टू नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा।
प्रोसेस टू नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिएगा इमेज यहाँ बोला गया, इमेज जो होना है 10 और 200 के बीच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपका जो यहाँ पे क्या है फोटो साइज है 10 और 4 और 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मांगा गया, आपने जो दिया है तो उसको PDF में देना है, 50 और 300 के बीच में नहीं देना। PDF ये चेंज कर लीजिएगा, डायरेक्ट जो स्कैन कीजिएगा तो PDF में ही सेव कीजिएगा और इसको इतना भी क्लिक करके इसको अपलोड कर। तो हम ये चलिए आओ फोटो और ये अपलोड करने के बाद प्रोसेस टू सिलेक्ट आगे करते हैं, तो ऑप्शन नया खुलेगा, नया पेज में जाने के बाद फिर हम बताएंगे। उसके बाद ये करने के बाद ये अपलोड कर दीजिएगा, उसका स्टार्ट अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा, स्टार्ट अपलोड कर दीजिएगा। ये पूरा प्रोसेस खुल के आने के बाद आपका बॉक्स आपको साइड में दिखता होगा, सभी को क्लिक कर देना है। ये करने के बाद ईमेल आईडी और फिर कन्फर्म ईमेल आईडी कैप्चा डालने के बाद आपको फिर कन्फर्मेशन मेल डालेगा तो OTP आएगा, वो करने के बाद यहाँ पे वेरीफाइड कोड आपका मेल आईडी में जाएगा, वो मेल आईडी वेरीफाइड करने के बाद यहाँ पे कैप्चा पे क्लिक कीजिएगा, सबमिट पे क्लिक, कैप्चा डालने पे आप यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो गया, या कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा तो अगला पेज खुल के आ जाएगा। अगला पेज खुलने के बाद प्रोसेस टू फिर एक बार नेक्स्ट कीजिए, उसके बाद आप पेमेंट टू प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे ओके आएगा, सबमिट पे ओके पे जैसे क्लिक करते हैं अगला पेज आपको आने के बाद इस प्रकार का आपका आ जाएगा, पेमेंट कितना कटेगा वो आ जाएगा। आपके पास अगर पेटीएम है या स्टेट जो भी है नेट बैंकिंग है जो पे यहाँ क्लिक करने के बाद पेमेंट करने के बाद आपका रिसिप्ट निकल जाएगा, आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।